परमेश्वर के प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। हालेलुया। आज आप यहां पे आए, परमेश्वर आपकी डेस्टिनी को बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा कि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है कि दुष्ट आत्माओं में भी रैंक्स हैं। हवलदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं, है सब पुलिस में लेकिन रैंक्स हैं। और एक जगह यीशु मसीह ने लिखा कि जब चेले, कौन से चेले? 9 चेले, पतरस, याकूब और यहूना नहीं, क्योंकि वो चेले निकाल सकते थे, लेकिन उस समय वो परमेश्वर के साथ थे जब यीशु मसीह पहाड़ पे थे और यीशु मसीह बदल गए, उसका रूप बदला। और जब वो नीचे आए तो वो 3 चेले जो स्ट्रॉन्ग थे वो परमेश्वर के साथ थे, और 9 जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लिखा वो एक दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए और परमेश्वर को आगे पूछते हैं, परमेश्वर हम क्यों नहीं निकाल सके? परमेश्वर ने बताया कि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के उनकी जिंदगियों से नहीं जाती। कल जो कैंट में हुआ, मैंने घर आके हमने इस बात को थैंक्स के साथ परमेश्वर के सामने रखा कि अंधरात्मा और ऐसी बीमारियों का जाना, इसका मतलब एक ऊपर की दुष्ट आत्माओं पे हमें फतह मिली है कल, और ये बहुत बहुत जबरदस्त परमेश्वर की ब्लेसिंग। आमीन। बाइबल बताती परमेश्वर हमें अंश अंश करके अपने स्वरूप में बढ़ाता और बदलते हैं। कल जो वहां पे हुआ, मैं ब्लेस हूं, खुद मैं ब्लेस हूं, आप तो हैं ही ब्लेस, लेकिन मैं ज्यादा ब्लेस हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तू इस्तेमाल करेगा अपने अभिषेक को, मैं तेरे अभिषेक को बढ़ाऊंगा। हमने लोगों को लॉकेट डालते देखा और हील होते देखा, पहली बार बंदगी में आए, कुछ पता नहीं, कुर्सियों से उठते हैं, चंगे होते हैं, परमेश्वर को मानते हैं। एक औरत ने कहा, मैं कहा प्रभु में, कहती आज से। जबरदस्त आंसर। बाइबल में लिखा परमेश्वर की गुडनेस जो है वो हमें मन फिराव करने को क्या करती है, वो सिखाती। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब हाबिल और कैन परमेश्वर के सामने की ओर भेंट चढ़ाई, हाबिल की ग्रहण हुई, कैन की ग्रहण नहीं हुई, कैन ने जलसी की, हाबिल को बुलाया, खेत में मार दिया, हाँ या ना? जब उसे खेत में मार दिया तो परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा कि जब उसको खेत में मार दिया गया तो परमेश्वर ने कैन से कहा, ए कैन, तेरा भाई कहाँ है? कहता मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? नहीं, तेरा भाई कहाँ है? क्योंकि उसका लहू भूमि पर से मेरी दुहाई दे रहा है, क्योंकि उसका लहू भूमि पर से मेरी दुहाई दे रहे हैं। लहू बोलता है, और परमेश्वर ने पुराने नियम में लिखा था कि लहू मत खाना, क्योंकि लहू में प्राण है। आपकी जो प्राण है, आपका जो सोल है, वो आपके ब्लड में। प्लेटलेट्स कम हो गए जी, ब्लड कम हो गया जी, क्योंकि आपकी जो प्राण है वो कहां में है? ब्लड में। बाइबल बोलती है आपका प्राण आपके ब्लड में, और बाइबल में लिखा कि वो लहू धरती पर से, हम वचन को पढ़ेंगे अभी, वो लहू धरती पर से परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। परमेश्वर ने कहा, कैन तेरा भाई कहां है? कहता मैं अपने भाई का रखवाला हूं। कहता परमेश्वर ने कहा, कैन तेरे भाई पर हाबिल का लहू धरती पर से मेरे नाम की दुहाई दे रहा है, यानी लहू तुझे दोषी ठहरा रहा है। तूने पाप किया, तूने कत्ल किया, अब लहू तुझे दोषी ठहरा रहा है। इब्रानी की पुस्तक में लिखा, अगर हाबिल का लहू बात कर सकते हैं तो परमेश्वर का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात करते हैं। आपको समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूं? अगर हाबिल का लहू यह कहता था कि यह व्यक्ति जिसने पाप किया है, इसको गरीब रहना चाहिए, इसको बीमार रहना चाहिए, इसको बांझ रहना चाहिए, आज परमेश्वर का लहू जो हमारे और आपके लिए बहाया गया, जो आज परमेश्वर की दुहाई देके ये कह रहा है कि ये बीमार नहीं रहना चाहिए, ये चंगा होना चाहिए, ये बांध नहीं रहना चाहिए, ये गरीब नहीं रहना चाहिए, ये आजाद होना चाहिए। समझ नहीं आ रही आपको मैं क्या कह रहा हूं? आपको बाइबल में लिखा परमेश्वर का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहते हैं। लहू बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पिछले दिनों मैं टीवी पे एक न्यूज को देख रहा था,
उस न्यूज में था कि एक एक, एक औरत ने जिसने पता नहीं चार पता नहीं कितनी शादियां की मैं नहीं जानती, उसने अपनी बेटी को मार दिया। कितनों ने न्यूज पढ़ी हो? अगर आप देखें उसकी बेटी 4 साल पहले मरी थी और अब वो पकड़ी गई। क्यों? क्योंकि लहू बात करता है। लहू क्या करता है? बाइबल बताती है पुराना नियम, पुराने नियम में जो लहू था वो हमें पापी ठहराता था, हमें दोषी ठहराता था, वो बोलता था कि ये पापी है, वो दुहाई देता था। लेकिन अब नए नियम में जीसस क्राइस्ट का लहू आपको पवित्र करता है, आपको दोषी नहीं ठहराता, वो आपको स्वीकार करता है, वो आपके लिए बात करता है कि ये व्यक्ति जिसके लिए मैंने लहू को बहाया ये आजाद होना चाहिए, ये ब्लेस होना चाहिए, ये चंगा होना चाहिए, ये छुटा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु मसीह के लहू के पास आप आए, हाँ या ना? अगर आप विश्वास करते हैं, मैं कल बोल रहा था कि आपको धर्म नहीं, परमेश्वर आपको बचाने के लिए, आपके धर्म को नहीं, आपको बदलने के लिए, आपको बचाने के लिए धरती पे आए। यीशु मसीह का लहू जो बहा आज भी, जो ताजा है आज भी मेरे लिए और आपके लिए बोलते हैं। परमेश्वर की जो गुडनेस है वो हमें मन फिराव को सिखाती। हालेलुया। परमेश्वर का जो भलापन है वो हमें मन फिराव को सिखाते हैं। हाबिल का लहू कैन को अपराधी ठहराता था, हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा उसका लहू भूमि पर से दुहाई दे रहे हैं। आज यीशु मसीह का लहू भी दुहाई देता है परमेश्वर की कि ये व्यक्ति बीमार नहीं रहना चाहिए जो मेरे पे यकीन रखता है, क्योंकि मैंने इसके लिए अपने लहू को बहाया है। ये गरीब नहीं रहना चाहिए, ये बीमार नहीं रहना चाहिए, ये श्रापित नहीं रहना चाहिए, ये दुष्ट आत्मा के अंडर नहीं रहना चाहिए। उसका लहू आज भी बात करता है, आमीन। लेकिन परमेश्वर का लहू जो निष्कलंक था, इसमें कोई पाप नहीं था, जो निष्कलंक मेमना था, जिसने अपना सारा लहू उंडेल दिया और बहा दिया, वो लहू जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें आपके और मेरे लिए करते हैं। लहू बोलते हैं आमीन। लहू आपको अपराधीपन की भावनाओं से आजाद करते हैं। आप जब सुबह उठते हैं आप अपने आप को बोलते हैं क्या, चलो सांस लेना शुरू करो, सांस लेना शुरू करो। अच्छा, आप सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? सोच के सांस लो कि आप सांस ले रहे हैं। लो सांस, दिमाग रखो अपनी सांस पे कि आप सांस ले रहे हैं। देखो मुश्किल नहीं लग रहा आपको? लग रहा है ना? आप सुबह उठ के सोचते तो नहीं आपने सांस ले ली? आप सिर्फ क्या करते हैं, सांस लेते हैं बिना सोचे बिना समझे। पुराने नियम में लोग अच्छा बनना चाहते थे, पवित्र रहना चाहते थे, लेकिन लिखा नियम उन्हें रहने नहीं देता था। इसलिए बार बार बकरों और बैलों का लहू चढ़ाया जाता था कि ये लोग क्या हो सके, पाप से आजाद हो सके। लेकिन लिखा जब यीशु मसीह के लहू को बहा दिया गया, अब आप जब नया जन्म आपने ले लिया, आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, आप टोटली एक न्यू पर्सन हैं। आप सोच सोच के सांस नहीं ले रहे, सोच सोच के पवित्रता में नहीं चल रहे, आप सचमुच पवित्रता में चल रहे और धार्मिकता में चल रहे परमेश्वर। हालेलुया। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा करूंगा, नहीं आज मुझे अच्छा करना है, नहीं आज मुझे ये नहीं देखना, नहीं आज मुझे गंदी चीज नहीं देखनी। आप सचमुच वैसा चलते जाएंगे आराम से, बिना जोर लगाए, जिस तरह आप सांस ले रहे हैं, जब आप यीशु मसीह के ब्लड की कीमत को समझ जाएंगे। अगर आप उसके ब्लड की कीमत को समझ जाएंगे, आप बांझ नहीं रह सकते, आप गरीब नहीं रह सकते, आप कमजोर नहीं रह सकते, आप शर्मिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उसका लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात कहता है। और उत्तम बात यह है कि आप तुझे कंडेमनेशन में, यानी एक गिल्टीपन में, यानी एक अपराधीपन में तुझे कंडेम नहीं किया जाएगा, तुझे मारा नहीं जाएगा, अपराधी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि तू छूट चुका है, क्योंकि तू यीशु मसीह के ब्लड पे विश्वास करता है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के ब्लड पे विश्वास करते हैं, आप मॉर्निंग उठ के फैसला नहीं करते कि मैं ये करूंगा, आज मैं ये अच्छा करूंगा, आज मैं कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपका अंदर बदल जाता है, आपका इनर बींग, आपकी आत्मा चेंज कर दी जाती है, आपका डीएनए बदल दिया जाता है जब आप परमेश्वर में चलते हैं। फिर आप खुद ब खुद समझते हैं कि हां, एक बार एक वैश्या एक परमेश्वर के दास के पास गई और उसने कहा मैं क्लब में डांस करती हूं, लेकिन जब आप यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं तो मुझे कुछ लगता है कि मुझे सुनना चाहिए। उसने प्रचार सुना, यीशु मसीह को जाना,
उसको कबूल किया, अगली रात फिर क्लब में चली गई वो डांस करने। उसने क्लब में फिर डांस किया, अगले दिन आके अपने पास्टर को बोलती, कहती मैं रात को डांस तो कर रही थी पर मेरा दिल नहीं कर रहा था डांस करने का। कहती डांस दिल से नहीं निकल रहा था, कहती मेरे को समझ नहीं आई क्यों। कहती परसों मैं यीशु मसीह को सुन के गई हूं, उसको मान के गई हूं, उसको उद्धार करता मैंने ग्रहण किया और मैं रात को अपने क्लब में थी, मैं डांस कर रही थी लेकिन डांस निकल नहीं रहा था। कहती आज से मैं डांस छोड़ती हूं। परमेश्वर की कृपा आपके आपको मन फिरा को क्या करती है, मजबूर करती है। फिर आप मजबूर हो जाते हैं परमेश्वर के लिए पीछे भागने के लिए, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि यीशु मसीह भला परमेश्वर है, उसकी योजनाएं भली हैं। अगर उसने मुझे चुना तो बड़े कामों के लिए चुना है। आमीन। आप समझ जाते हैं फिर कि हाँ परमेश्वर की योजना भली है। फिर आप सांस लेने की कोशिश नहीं करते, फिर आप भले बनने की कोशिश नहीं करते, आप टोटली अंदर से नए होते हैं। आप फिर चलते हैं पवित्रता में बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी ताकत को लगाए। आप आराम से अपने आत्मिक जीवन को जीते हैं और आप लंबा और फ्लो में और ऊंचा जीते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप उपाद को देखते हैं, पांच को देखते हैं, जब वो आसमान में एक ऊंचाई तक पहुंच जाता है, वो अपने पर को फैलाता है, फिर जोर नहीं लगाता, फिर जहां वो जाना चाहता है वहां जाता है। इवन यहां तक कि अगर उसने और ऊपर भी जाना है तो भी वो पर नहीं मारता, सिर्फ अपने एंगल को चेंज करता है और ऊपर जाता जाता है। ये लेवल तब आता है जब आप यीशु मसीह के ब्लड की कीमत को समझ जाते हैं और आप ये समझ जाते हैं कि अब आप धो दिए गए, आप शुद्ध कर दिए गए, अब आप सुबह उठेंगे और चलेंगे सुपर नेचुरल रियलम में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सुबह उठेंगे और चलेंगे, जहां आप जाएंगे फेवर आपके साथ होगा, आप जहां जाएंगे अनुग्रह आपके साथ होगा। आज लोगों से, उन लोगों से प्रॉब्लम है। आप जानते हैं जब मैं मसीह में आया, मैं ऐसे ग्रुप में था जो प्रभु की कम शैतान की बात ज्यादा करते थे। ओए काका, ओ शैतान उठे खड़ा, प्रेयर कर, ओए शैतान उठे खड़ा, और मैं खुद प्रेयर कर रहा हूं, ओ शैतान ने यहां करता, ओ शैतान ने यो करता। शैतान रोता है परमेश्वर के सामने, कहता परमेश्वर मुझे बचा, तेरे लोगों को नींद छीक छीक भी आ जाए तो बोलते शैतान ने कर दिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा जहां तू जाएगा शैतान तेरे साथ रहेंगे। हैं? कौन रहेगा? जा तू जाएगा मैं किसको आज्ञा दूंगा वो तेरे साथ जाए। किसको? ऊंची आवाज में बात करो। अब मैं अगर यहां पे आया हूं तो मेरे आसपास कौन है, तो मुझे ध्यान किस पे देना चाहिए? ओ शैतान होते बड़ा, मैं खुद ऐसे ग्रुप में रहा हूं जो शैतान की ज्यादा और परमेश्वर की कम बात करते। एक औरत मुझसे मिली, उसने कहा, उसकी उम्र शायद 50 कितने साल की, काफी, उसने कहा शैतान 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 शैतान। मैं कहा चुप कर जाओ, जब आप वचन को नहीं समझते तब शैतान आता है। मैंने कहा परमेश्वर ने कहा दूत तेरे साथ रहेंगे जहां तू जाएगा। अब शैतान आपके साथ है कि दूत आपके साथ है? एक कुर्सी पे या तो यीशु मसीह बैठ सकते हैं या शैतान। ये कैसी कुर्सी है कि यीशु मसीह भी वहीं पे है और शैतान भी वहीं पे है? ऐसा इम्पॉसिबल है। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वहां शैतान खड़ा है, वहां शैतान खड़ा है। बाइबल क्या कहती है? डैनियल ने लिखा, पहले उसने मन में ठाना कि मैं प्रेयर करूंगा, स्वादिष्ट भोजन नहीं खाऊंगा, तेल नहीं लगाऊंगा और मैं प्रेयर करूंगा। दूत आके बोलता है 21वें दिन, डैनियल पहले दिन जब तूने परमेश्वर को मन लगाया था, परमेश्वर ने मुझे भेज दिया था, पर रास्ते में शैतान ने मुझे पकड़ के रखा, मुझे नीचे नहीं जाने दिया। लेकिन एक और दूत मिकाएल मेरे पास आया और उसने मुझे नीचे जाने का, तेरे पास आने का मौका दिया। वो दूत इसलिए नहीं शैतान ने रोका कि वो दूत कमजोर था, वो दूत के पास इतनी ब्लेसिंग्स थी कि वो नहीं चाहता था कि जब वो शैतान से लड़े वो ब्लेसिंग्स जाएं, इसलिए वो आराम से खड़ा था और मिकाएल लड़ने के लिए आया। जब पूरा स्वर्ग आपके लिए लड़ रहा है तो आप शैतान की बात क्यों कर रहे हैं? जब पूरा स्वर्ग आपके साथ है आप शैतान की बात क्यों कर रहे हैं? हालेलुया। अगर पूरा स्वर्ग आपको बैकअप कर रहा है तो आप शैतान की बात क्यों कर रहे हैं?
जहां तू जाएगा मेरे दूत साथ रहेंगे, तेरे पांव में पत्थर से भी वो ठेस ना लगने देंगे। अगर स्वर्ग आपके साथ है तो आप शैतान की बात क्यों कर रहे हैं? आपको ब्लेसिंग कॉन्शियस होना है। वो पुराना नियम था जब लोग सोचते थे शायद मुझसे ये गुनाह हो गया, शायद मुझसे ये गुनाह हो गया, शायद मुझसे ये पाप हो गया, शायद मुझसे ये पाप हो गया। अब नया नियम है भाई, परमेश्वर कहता अगर तूने मुझको कबूल कर लिया, नो मैटर ये मिस्टेक, अगर तू सुधरना चाहता, दिल से माफी मांगता है, उसी टाइम परमेश्वर आपको माफ करते, भूल जाते हैं कि पिछले सेकेंड आपने क्या सोचा था गलत। मैं आपको गलत सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये बात कि आप जब इस बात को समझ जाते हैं कि ब्लेसिंग कॉन्शियस, यानी अपने दिमाग को ब्लेसिंग्स की ओर और स्वर्ग दूतों की ओर लगाना। हालेलुया। जब मैं लोगों को बोलता हूं कि जब मैंने दो बार दूत देखा और जब मैंने आत्मिक को तक बताया कि मैंने दूत देखा, उन्होंने बताया ये दूत, परमेश्वर ने बताया ये दूत, और बहुत सारी जगहों से कंफर्मेशन कि ये दूत हीलिंग का और सुरक्षा का था तुम्हारी मिनिस्ट्री में। क्या आप हीलिंग नहीं देखते हैं? क्या सुरक्षा नहीं देखते हैं? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब शैतान की बात क्यों करना? एक ऐसा व्यक्ति जिसने रीनियड बॉन्गे को अभिषेक किया, एक दिन अपने कमरे में सोया और उसे नीचे से आवाज आ रही है, ठक ठक। वो नीचे आता है क्योंकि नीचे कोई नहीं रहता था, तो शैतान उसके टेबल पर बैठा, टेबल बजा रहा है, ठक ठक, और कहता तू है, वो फिर ऊपर चला गया, कहता तू है, कहता छाट यार, और फिर ऊपर चला गया। शैतान ओ तेरे में डांटता यीशु मसीह नाम, ओ चला जा यीशु मसीह, ओ तरा बा तरा बा तरा बा। शैतान आपसे खुश होता है क्योंकि वो देखता है कि आप डर गए, आप उसको इग्नोर कर दो, डेथ हो जाएगी उसकी तभी। आज लोग शैतान 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 ने ये कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, जादू ने ये कर दिया, टूने ने ये कर दिया। यीशु का लहू आपके लिए बात कर रहे हैं, आपके साइड में खड़ा परमेश्वर से कि यह व्यक्ति आजाद होना चाहिए, यह व्यक्ति चंगा होना चाहिए, यह व्यक्ति बांझपन से आजाद होना चाहिए। लिखा उसका लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता, आमीन। उसका लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता, बाइबल में लिखा। हाबिल का लहू बोलता था ये पापी या अपराधी से परमेश्वर इसको मैं दुहाई देता हूं, मेरे लहू दुहाई दे रहे हैं, इसको मारा जाए, इसको भगोड़ा घोषित किया जाए, इसको दंड दिया जाए, उसको मिला भी दंड। लेकिन लिखा यीशु का लहू जो निष्कलंक था, जो परमेश्वर का अपना ब्लड था, जिसमें इसके एक बूंद में इतनी ताकत है पूरी दुनिया की बीमारी को खत्म कर गए, फिर भी वो एक बूंद रहे, वो लहू आपके लिए बात कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए बात कर रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं। आमीन। आपको अपने दिमाग में यह बात रखनी है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जब मैं यीशु मसीह में आया नया, तो मैं मेंटली अपसेट था, मैंने आपको बताया। जैसे ही मैं अपने परमेश्वरों के सामने जाता था, जब मैं मसीह में नहीं था, मेरे दिल से उनके लिए गालियां निकलती थी, और मैं सोचता था कि अगर मैं इनको गालियां निकालूंगा अपने दिल से, मैं निकालता नहीं था लेकिन दिल से निकलती थी अपने आप, अगर मैं इनको गालियां निकालूंगा मैं लूंगा क्या। इस बात से मैं इतना डिस्टर्ब था कि मैंने सुसाइड करने का फैसला किया। और एक दिन एक व्यक्ति जो हिंदू था, उसने यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया। जब मैं परमेश्वर में आया, मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, सेम प्रॉब्लम, मुझे यीशु मसीह के बारे में गालियां निकलनी शुरू हो गई। मैंने कहा अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं यीशु मसीह को भी गालियां निकाल रहा हूं तो मैं कैसे बचूंगा। थोड़े दिन बाद एक भविष्यवक्ता मुझे मिलता है और बोलता है परमेश्वर तुझसे प्रेम करते। मैंने कहा है, अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर क्या है, मैं तो गालियां निकाले। तू गालियां नहीं निकालता, दुष्ट आत्मा तेरे अंदर जानबूझ के ये काम करता था कि तू अपने आप को दोषी माने और परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन तू दोषी नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का काम है। परमेश्वर तुझसे प्रेम करते और करते रहेंगे सारी उम्र तक यीशु मसीह के नाम में। आप सोचो एक ऐसा व्यक्ति जो गले में लॉकेट डाल के आ रहा है और परमेश्वर उसको अधरंग से चंगा कर रहे हैं, अगर उसको परमेश्वर प्रेम कर सकते हैं तो आप जो मसीह में आपको कितना प्रेम करेंगे, आप जो प्रेयर कर रहे हैं आपको कितना प्रेम करेंगे, आप जो फास्टिंग कर रहे हैं आपको कितना प्रेम करेंगे। आमीन। आपको ये बात समझ नहीं है, ये शैतानी चाले हैं आपके दिमाग में रखना कि आप दोषी हैं, आप अपराधी हैं, ये शैतानी चाले हैं। जब बच्चा बढ़ता है ना तो वो गिरता है, वो चलता है ना वो गिरता है, गिरता कि नहीं गिरता। ऐसा किसका बच्चा है जो एक साल का हो गया सीधा भागने लग गया था और एक बार भी गिरा नहीं? किसका बताओ जो सीधा खड़ा हो गया था और एक बार भी बेड से गिरा नहीं? जब आप मसीह में चलेंगे, आप किसी को फालतू बोल देंगे, फिर आपको फील होगा, आप माफी मांग लेंगे, आप कुछ अरे उसको चोर बोल देंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं मैंने गलत किया,
आप फिर सीधे हो जाएंगे। आप अपराधी नहीं, आप चलना सीख रहे हैं परमेश्वर, आप चलना सीख रहे हैं। एक दिन आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे, आप फिर बोलेंगे नहीं, आप सिद्धता में चले जाएंगे। आपको फिर आंखों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, नहीं मैं ये नहीं देखूंगा, नहीं मैं ये नहीं देखूंगा, नहीं नहीं अच्छा अच्छा नहीं नहीं मैं नहीं देखू। अब आप इतने मैच्योर स्ट्रांग हो जाएंगे, आप अभी इधर पाप आ रहा आप इधर देख सकते, और आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का आप नए आत्मा के बन चुके हैं, आपका डीएनए चेंज हो चुका है, और आप सीधा चल रहे हैं, आप जानते हैं परमेश्वर की संतान है, और यीशु का लव आपको बैक कर रहा है, स्वर्ग आपके साथ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर आप ये समझ जाएंगे, शैतान आपको बोलेगा ओए देख तू चोर कहता हूं तू मरेगा, परमेश्वर तेनु नरक से भेज देना, परमेश्वर तेनु। आप चलना सीख रहे हैं, चलना सीखो, आप चलेंगे दौड़ेंगे भागेंगे एक दिन यीशु मसीह के नाम में। आपको ये बात समझनी है, परमेश्वर में चलेंगे आप इधर हल्का सा इधर हल्का सा, लेकिन लिखा जो जीसस क्राइस्ट से पैदा हुआ वो पाप नहीं करता, जिसका बीज उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, वो जानबूझ के नहीं जाएगा और लंगर खाएगा और प्रसाद। वो कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? वो कोशिश करेगा 100%, भेड़ की खासियत उसको गड्ढे में डाल दो, वो तब तक बाहर आने की कोशिश करेगी जब तक वो मर नहीं जाती। एक असली विश्वासी अपनी चुनौतियों के साथ लड़ते हैं, वो जानता है कि ये नशा एक चुनौती है और परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, और उसके प्यार को पूरा मैनिफेस्ट होने के लिए मुझे यह नशा छोड़ना है और मुझे कंप्लीट रीति के साथ परमेश्वर के सामने जाना है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है इतना ज्यादा जो दुनिया का कोई इंसान कोई जन मुझसे नहीं कर सकता। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको इस कॉन्शियसनेस से साथ, आपको इस दिमाग के साथ आज से मसीह में चलना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप चलना सीख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप हल्का सा इधर ठोकर खा गिरे फिर खड़े हो जाओ, फिर चलो और फिर भागो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान को मौका मत दो कि वो बोले मैं तेरी जिंदगी में काम कर रहा हूं। शैतान को बोलो तू बहुत पीछे रह गया, तू बहुत पीछे रह गया। आज यीशु का लव मेरे लिए बात करता है, उत्तम बात करता है, वो मेरे लिए वकील है। यीशु मसीह आपके लिए वकील है, वो बताता है जज को, मेरे क्लाइंट को ये मिलना चाहिए, ये मेरा क्लाइंट है इसे ये मिलना चाहिए। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह आपका वकील है, आपका वकील। आप बात समझ नहीं रहे, आपका वकील है प्रभु यीशु मसीह, वो आपका वकील है। आप जानते हैं जिसके पास अच्छा वकील हो वो गलत केस को भी सही कर देते हैं, हाँ या ना? तो यीशु मसीह उसको गलत को सही करने की जरूरत नहीं, वो वकीलों का वकील आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में, वो आपके साथ है, उसका लव आपके लिए बात कर रहा है, वो परमेश्वर को बता रहा है कि ये व्यक्ति इसे ये मिलना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि यीशु का लव आपके लिए वकालत आपके लिए बात कर रहा है। आमीन। जब आप यीशु के लव के बारे में पढ़ते और समझते हैं फिर आप ऐसा नहीं बोलेंगे मैं यीशु के लव में कवर करता हूं, फिर आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं यीशु के लव को भेजता हूं, वो बात करे तुम्हारे लिए, वो बात करे तुम्हारी फैमिली के लिए, वो बोले तुम्हारे जीवन के लिए यीशु मसीह के नाम में। शैतान शैतान शैतान, नेगेटिव नेगेटिव, ये शैतानी काम है। अगर चारों दिशाओं में दूत मेरे साथ हैं तो मैं शैतान की बात क्यों करूं? वो औरत जब मेरे पास आई उसने कहा शैतान शैतान शैतान, उसको अटैक होने लग गए मेरे सामने। 10-15 मिनट वचन सुनने के बाद आज तक दुष्ट आत्मा वापस नहीं आया उसको। हालेलुया। ओ प्रेयर कर दो प्रेयर कर दो। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने प्रीच किए डिलीवरेंस, क्या किए? प्रीच, प्रचार किए डिलीवरेंस का। अगर आप यीशु मसीह को देखें तो सिर्फ दुष्ट आत्मा को डांटा है, उसे प्रीच किया है, उसे प्रचार किया है और दुष्ट आत्मा गई है। जब आप रियलिटी में आ जाते हैं, आप सच्चाई में आ जाते हैं, एक शेर का बच्चा गुम हो गया और भेड़ों के झुंड में चला गया। अब जिधर जिधर भेड़े जाएं शेर भी उधर उधर जाए, भेड़े बड़ी हो गई बच्चे शेर बड़ा हो गए। एक दिन असली शेर बैठा उसे देख रहा था, उसने कहा ये शेर क्या कर रहा है भेड़ों में? उसने अटैक किया भेड़ों के झुंड पे, भेड़े भागी, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर भी भाग रहा है, शेर आ गया, शेर आ गया। शेर ने भेड़े छोड़ी, शेर को पकड़ा, उसे पानी के पास लेके गया, उसको फोटो दिखाई अच्छी तरह, उसको बताया तू भेड़ नहीं तू शेर है। हालेलुया। अरे लोगों को हो सकता है जालदोने से अटैक, आप जालदोने आप खड़े आप झाड़ देंगे बस ये क्या, मैं सच कह रहा हूं आपको, आप जानते कई लोगों ने कोशिश की
जादू डोना। मैं कहा हमें प्रेयर करने के, हम जानते हैं हम याकूब के घराने के, जादू डोना पास फटक भी नहीं सकता। शैतान काम क्या कर रहे हैं, वो काम करने की सोच भी नहीं सकता अगर आप परमेश्वर में सही हैं। अगर आप समझते हैं यीशु का लोग मेरे लिए बात कर रहे हैं, रोज बात किया करो अपने आप से। पौलुस ने कहा अपने आप से बात करो तो तुम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा हुआ पाओगे। मेरी वाइफ जानती, मैं अपने आप से बात करता हूं रोज, बैठा बैठा बोलता रहता हूं। लोग सोचेंगे ये पागल है कोई, किससे बात कर रहे हैं। लिखा स्पीकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करो, मैं परमेश्वर की संतान हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं हो सकती, मेरे शरीर को घटी नहीं हो सकती, मेरे घराने को घटी नहीं हो सकती, यहोवा मेरा चरवाहा है। यीशु का लहू मेरे लिए बात करता है, वो मेरे लिए बोलता है, यीशु मसीह मेरा वकील है, मेरे परमेश्वर, मैं उसके साथ हूं, वो मेरे साथ है, उसके दूत मेरे साथ है। कितने आज मेरी बातों को समझ रहे हैं। फिर आप समझ जाते हैं कि आप बीमार नहीं हो सकते, परमेश्वर आपके साथ है। फिर आप तोड़ते हैं उन चीजों को, यह बात समझते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। सबसे बड़ा हथियार जो शैतान के पास है वो आपको दोषी ठहराना, उसका सबसे बड़ा हथियार। कितने इस बात को समझते हैं, कितने जब कुछ हल्का सा उनकी जिंदगी में होता तो अपने आप को दोषी पाते हैं। हाथ खड़ा करो, सबके साथ ये होता है, अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो आप मसीह नहीं है मेरे ख्याल से, ये सबके साथ होता है। आमीन। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का लहू जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। क्या उत्तम, जो मैंने आपको बताया है। सब जन खोलेंगे उत्पत्ति, आप जानते कुछ आत्माएं रिलीजन की होती हैं, अगर मैं बाइबल खोल के नहीं पढ़ाऊंगा वो बोलेंगे पास्टर ने बाइबल ही नहीं खोली, उन्हें ये नहीं पता बाइबल फॉर्मेलिटी है, बाकी मैं सब कुछ कर चुका। कितनों को समझ आ रही मेरी बात। कुछ रिलीजियस आत्माएं होती, मैं भी गुजरा हूं उन चीजों से, टीवी देख रहे ही नहीं, आप अपडेटेड नहीं रहेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप लोकल रह जाएंगे, लोकल। आप प्रोफेसी नहीं कर सकते अगर आपको दुनिया के बारे में पता नहीं कि सीरिया में क्या हो रहा है। आपको सास बहू का सीरियल देखने की जरूरत नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझ, ये देखो तो सही चांदनी क्या कर रही, क्या क्या नाम मेरे को तो पता भी नहीं, उसको देखने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल शैतानी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। फीलिंग से भरी हुई, उल्टी फीलिंग, सीधी फीलिंग। हालेलुया, ये मैं आप अभी कुछ लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, सब ध्यान से सुनो। उत्पत्ति 4 उसकी 9 आयत में लिखा, तब यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहां है, उसने कहा मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, उसने कहा तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला के मेरी दुहाई दे रहे हैं। सब बोलो आमीन। अब हम सब जन खोलेंगे इब्रानिया, उसकी 12 को हम पढ़ेंगे, मैं 22 से पढ़ूंगा 23 से, ताकि आपको समझ आए। और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यानी मीडिएटर यानी वो परमेश्वर जो हमारे लिए धरती पे आया हमें और परमेश्वर से मिलाने के लिए यानी यीशु मसीह, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आयो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सब बोलो आमीन ऊंची आवाज में। किसके लहू से उत्तम बात बोलता है? हाबिल के लहू से वो उत्तम बातें आपके लिए बोलता है। आप जानते हैं जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं आप पाप करना बंद कर देते हैं, जिस दिन आप डर से पाप करना बंद करते हैं आप देखते हैं फिर आप घुस गए पाप में, बाहर आ गए, फिर माफी मांग ली। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को सचमुच समझ के एक नया जन्म लेते हैं आप पाप करना नेचुरली आप बंद कर देते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आज से शैतान बड़ा या परमेश्वर? घरों में शैतान है के परमेश्वर? बॉडी में शैतान है के परमेश्वर? आपको यह बात समझनी है, जब शैतान आपसे बात करे उसको बोलो परमेश्वर का ब्लड मेरे लिए उत्तम बातें कहता है, परमेश्वर का खून मेरे लिए बोलता है शैतान। हालेलुया।